टैप्स टीवी द्वारा प्रसारित टैप्स टॉक कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र अमन, अर्थ मंत्री युवराज खतियोड़ा अपन बजट प्रस्तुत करे। निर्यात अगर समग्र बजट के अवस्था देखा जाए या मुल्क के अर्थतंत्र के अवस्था देखा जाए तो निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है। जड़ी बूटी मात्रे बाहर निकासी हो जाके कारण से अ देश के समग्र अर्थतंत्र में ओते सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर निर्भरता बढ़ रहा है। उद्योग धंधा सब धाराशायी भ रहा है, लगानी के अवस्था शून्य के अवस्था में देखल जा रहा है। पैसा के अवमूल्यन भ रहा है, रुपया के अवमूल्यन भ रहा है। समग्र अवस्था में अर्थतंत्र के सुधार जब तक नहीं हेतु, जब तक कृषि अठाम के सामान बाहर नहीं जते, ताधर अर्थतंत्र में सुधार होब के अवस्था नहीं। अब सब संदर्भ में लकर आई हम सब कार्यक्रम अही बजट के सिरो फेरो और अर्थ पर केंद्रित भकर संवाद कर। आई हमरा सब के अतिथि है ललित कुमार शाह, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष, निर्मल कुमार चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के पूर्व केंद्रीय सदस्य, और शिवशंकर साहिरा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के प्रदेश नंबर 2 के संयोजक। तीन गोटे के स्वागत है, धन्यवाद। यदि हीरा जी यहाँ से हम शुरुआत करी, ये बजट के अगर देखल जाए समग्र हिसाब में बजट के केहन अवस्था से बजट ये जब भी माम गठबंधन की सरकार जब भी बजट लगती है 13 अरब 13 करोड़ के अपेक्षा रखले रही कि बहुमत के सरकार छे, द्वितीया के लगन के बहुमत के सरकार छे, निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन करे वाला बजट सब लगते है ना, निजी क्षेत्र के पैसे के मित्र व्यामी बजट लगते, उ हिसाब से बजट के हमसब निजी क्षेत्र में पूर्ण बहुमत नहीं गवर्नमेंट तो हिसाब से सब वर्ग के खुश करेला, सब पार्टी के खुश करेला वही किस्म के बजट लगे। लेकिन अभी पूर्ण बहुमत के जो सरकार है वैसे विभिन्न किस्म के लोग के बहुत ही ठोस आशा चली है कि ये नया बजट में नया किस्म से संबोधन होते, खास करके देश में जब संघीयता प्रवेश कर गए तो सातों संघों के केना चलाव के प्रदेश के केना चलाव के है, ये पॉपुलर बजट के रूप में लोकप्रिय बजट दौकर जनता के नई उबार के लिए कनिका छर छर के सब जगह जे है कोनो उपलब्धि नहीं हासिल हो ते किसी के बजट के रूप में आबि रहल छै। कुछ भाग एक बढ़ियो छै, नहीं छै से बात नहीं छै, लेकिन जे किसी के बहुमत प्राप्त गवर्नमेंट छै एकरा स्ट्रिक्टली कनिका कड़ाई के साथ उपलब्धि मूलक परिणाम मुखी बजट लाबे के छलै, तै में एकरा चूक भ गेलै। ललित जी यहाँ के की है बजट के अगर प्रारंभिक रूप से देखल जाए यहाँ के दृष्टिकोण में बजट के हम बजट निजी सेक्टर के लोग के ज्यादा उत्साहित होय वाला बजट नहीं है। हम सब जहाँ तक अपना व्यवसाय सब में जाए चर्चा भले हमरा सब के निजी सेक्टर के लिए कोनो एहन उपलब्धि होय वाला चीज जो बजट आयल है 13 अरब 15 अरब के बजट आ 16 अरब 19 करोड़ के 2 नंबर प्रदेश के लागे जब बजट आयल है बहुत ज्यादा खुशी होय वाला अवस्था न कि है। यही हमरा सब के जे बजट आयल है बजट पर चर्चा कैली निश्चित रूप से कि है कि ई मिलल जुलल बहुत ज्यादा हरेक क्षेत्र के टच जना करच के चाहे जना हमर अग्रज निर्मल दाजू कहल के ये वास्तव में बजट के बाद में की होती कि जे तरीका से बजट आएल इम्प्लीमेंटेशन में सेहो तनिका कठिनाई होते जना हमरा लगे इम्प्लीमेंटेशन होते कि नहीं होते। अब जना कि 5 बरस में एगो की है कि रोजगारी के जे योजना ललके ये वो कहीं ना कहीं ठीक है, अब लागू केना करे है। और नेपाल में
कि उत्पादन ज्यादे से ज्यादे करब से हो कहलक वही पर कते हम सब इम्प्लीमेंटेशन में जा रहल छी नेपाल सरकार जते ई सब देखा वाला बात है। बजट ई कह रहल छी आके दोसर दिस कह रहल छी जे वैदेशिक रोजगार में जे पलायन भ रहल छी युवा सब के ओकरा सब के हम सब आके स्वदेश में रोजगार के व्यवस्था करब। दोसर दिस बजट ई कह रहल छै जे हम सब वैदेशिक ऋण के व्यवस्था करबे मतलब दोनों दिस कन्फ्यूजन के अवस्था छै। एक तरफ अहाँ रोजगारी सृजना करबे दोसर दिस जे युवा सब पलायन भ रहल छै ओकरा पैसा देबी जहाँ जाऊ विदेश कमाए ला तखन ई देश के बजट अहाँ के ई तऽ स्वरोजगार के अवलम्बन के विषय भेले नै कंट्रोवर्सी है कि कहीं ना कहीं जहाँ तक हमरा लगे है। अब उनकर सबके बुझाइए कि तैयारी अब केहन रहली बजट प्रस्तुत में और जे अभी नेपाल सरकार जे वो बजट में ललकी कि कृषि औजार कारखाना स्थापना करब फिर ओकरा चालू करब तो तेहन तेहन एक वो कारखाना के अभी तक सुन ली हम ज्यादा स्टडी अभी नहीं कैली तो की है कि आरो उद्योग सबके आवे लायक बनली आरो उद्योग सबके केना स्थापना होतै ताकि रोजगार के अवसर भेटतै विदेश से पलायन भ रहल हमर युवा सब देश के उ युवा सब केना रुकतै तो ई अई तरह से सोच में नेपाल सरकार के हमें बजट में नहीं देखली कहीं की। निर्मल जी जनकपुर में ऐसे पहले हरेक बजट में जनकपुर के विषय में चर्चा होइ छलै अई बजट में एक एकटा चीज जनकपुर के विषय में छूने छै ओ छै आहा के जे जनकपुर के जानकी मंदिर के हम सब विकास करब सौंदर्यीकरण करब संरक्षण संवर्धन करब ऐसे पहले गुरु योजना बनाए बहुत बड़ा से बात होइ छलै कारण नहीं हो अलग विषय छे लेकिन शब्द से कंजुसाई नहीं हो बजट चुकल से जनकपुर के हिसाब से जो देखा जाए बजट कते जनकपुरवासी के लिए आशाजनक से बजट जनकपुर के पहले के जो हिसाब में हम सब तो जनकपुर पर ज्यादा फोकस कर लेकिन अब हम प्रदेश नंबर दू के हिसाब से बात कर चाहे जना जानकी मंदिर के संरक्षण के बात में आये बजट जनकपुर एयरपोर्ट के क्षेत्रीय स्तर उन्नति के बात आयल छे निजगढ़ ट्रैक के बात आयल छे ई सब बात जे आयल छे तो समग्र रूप से अब तो हम सब प्रदेश नंबर दू के हिसाब से जे बात करी तो प्रदेश नंबर दू सबसे पिछड़ा क्षेत्र में छे आ खास करके एक लग दूटा मात्र संभावना छे एक कृषि एक पर्यटन कनी मनी हर्बल छे ओकरा बाद आगे लैंड से जे उत्पादन हम सब कर सकी तो लैंड से उत्पादन करे ला हमारा मैन पावर चाहिए मैन पावर हमारे सारा विदेश जा रहा है एक समस्या से दोसर समस्या से कि टूरिज्म के डेवलपमेंट जानकी मंदिर के यहाँ संरक्षण कर भी कह दिली लेकिन जानकी मंदिर लगा और भी टूरिज्म प्लेस सब है जो संरक्षण होबे चाहिए निजगढ़ फास्ट ट्रैक के बात है वो बहुत टाइम लगते अभी तत्काले ओकर जे लाभ प्रदेश नंबर दू के या नेपाल सरकार के भेटे वाला अवस्था नहीं है। रह गई जनकपुर एयरपोर्ट के स्तर उन्नति के बात ही तब तो 10 साल से सुन रहा है मोटामोटी 2.5-3 बीघा अभी तक जे है अधिग्रहण भेली जबकि 54 बीघा अधिग्रहण हुआ के बात चली अभी फिर से हम सुन रही कि 54 बीघा अधिग्रहण करे के बात है तो ई एक पॉजिटिव संकेत है नहीं से बात नहीं है। दोसर की है कि संभावना जे सब जनक प्रोविंस नंबर दू के आर्थिक विकास के जे संभावना सब छे जनक जयनगर से प्रतिवास ये विवाह पंचमी कम से कम जनकपुर तक रेलवे चालू करे के बात छे तो ये लिंकेज जे अभी जे कलकत्ता के हल्दिया पोर्ट से जे थर्ड कंट्री के माल जनकपुर भाया जतो जा सके छे वैसे अभी जे काठमांडू के रूट है वैसे 150 किलोमीटर के फर्क पड़ रहा है जेना अभी नौलो में यातायात मंत्री जे 35 सीटें बस बर्दीवास में आया 15 टन के गाड़ी जाए के अभी परमिशन देलखिन है ते हिसाब से खास करके और रेलवे से बर्दीवास तक आवे या यही रूट से जठी रूट से थर्ड कंट्री के माल हल्दिया पोर्ट से आवे या विशाखापट्टनम पोर्ट से आवे तेकर कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है ते से एक आर्थिक गतिविधि बढ़े वाला बहुत बड़ा ही संभावना एक हम सब देख रहा है। 6 लाइन के बहुत बड़ा सदुपयोग भ सके रेलवे ट्रैक के बहुत बड़ा सदुपयोग भ सके दोसर जनकपुर के एयरपोर्ट के अगर स्तर उन्नति हो 1300 मीटर रनवे 1600 मीटर अगर रनवे हो समय में हम सब पर्यटन मंत्री सरोज सिंह भंडारी छा उनके लगे उनके टीम के साथ 25 सांसद के लग आए एयरपोर्ट पर बैस के हम सब सारा बातचीत के लिए तो एत से अहाँ के 110 सीट के बजट एयरलाइंस कहे 110 सीट के बजट एयरलाइंस जना मलेशिया से हो कतार से हो जनकपुर डायरेक्ट लैंड करते काठमांडू के जे लोड कम भ जेतै आ जनकपुर से पटना आ जनकपुर से
पटना का तत्काल शुरू कल जाए, जनकपुर कलकत्ता के संभावता अध्ययन कल जाए बात बेल चले, लेकिन जनकपुर पटना के भी कोई निवेदन नहीं दिल के, लेकिन अभी सुन ली महेंद्र नगर से दिल्ली उड़ा के बात, अभी जयपुर एयर अभी एप्लीकेशन दिल के जे ओकरा नजदीक है ओकरा रूट वायबल होती तो वही हिसाब से दिल होती, लेकिन इस संभावना जैसे अगर एयरपोर्ट स्तर उन्नति हो खास करके वैदेशिक रोजगार में जाए वाला लोग के लागी जे काठमांडू जाके दस दिन वहीठाम होटल लॉज में रहे छथिन आ उमर से जे अब दू चार पाँच दिन उनका सबके रह पड़ी छे, तो ऐसे एक आर्थिक गतिविधि के बहुत बड़ा फर्को तुरंत मारि देते। एक ट्रांसपोर्टेशन के जे हल्दिया से या विशाखापट्टनम से जे कनेक्शन है रेलवे के हो चाहे ट्रैक के हो पथ पथ रोड के हो, ऐसे बहुत बड़ा फर्को मार सके। जेना टूरिज्म के क्षेत्र में छोटे प्रयास है, कोई बड़का प्रयास नहीं मिले, जेना मोदी जी अलखिन जनकपुर से अयोध्या के बस खोल दिल, एक कनेक्टिविटी तो बढ़ गई, कल के दिन एक इंटरेस्ट के विशेष श्रद्धालु सबके लगे जुड़ गए वहीठा, कल के दिन ये टूरिज्म एक सपोर्टिंग फैक्टर बहुत बड़ा हमरा सके भ सके, जैसे आर्थिक गतिविधि में फर्को मारते। आजकल की है कि हम सब पहले टूरिज्म के हिसाब से बहुत संकीर्ण हिसाब से सोचे चले, लेकिन आजकल टूरिज्म के दायरा बहुत बढ़ल है, हेल्थ टूरिज्म है, एजुकेशन टूरिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म है, मान लीजिए अगर 15 चक्का 20 चक्का के ट्रक सब अबै छै, कंटेनर सब अबै छै, तो अहाँ के इस ट्रैक में तो अहाँ के लोडे लोड रहत, लोग जब यही नहा जाते तो जे श्रद्धालु होते तो मन में जरूर रहते कि एक बार जानकी मंदिर दर्शन करें, तैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ के एक संभावना सब हम सब देखे। दोसर लैंड के मामला में कृषि के मामला में जो हम देख रहा छी, कृषि योग्य जमीन सबसे ज्यादा है अपना सब लग, लेकिन ओमे मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है तो अहाँ करब कि सदुपयोग तो कर पड़े, कैला कि इंडिया से जो हम सब अभी 4 अरब रुपया के तरकारी हम सब मंगबै छी, 8-10 अरब रुपया के मांस मछली मंगबै छी, 6 खरब से लेकर 8 खरब के इंडिया से व्यापार घाटा चल रहा है, तो हमरा सबके करब की है कि आखिर इस सारा चीज के कैलकुलेशन केना करबी, केना मिलबी, व्यापार घाटा के मुंह मिलानी तो कर पड़ते, तो ये व्यापार घाटा के मुंह मिलानी कर कोनो विकल्प तो अहाँ के रोजब पड़ते। तो अहाँ लग दुएटा सेक्टर छे टूरिज्म एग्रीकल्चर, तो टूरिज्म में तो चलो व्यापक संभावना है, अभी चाहे फ्री के एक पब्लिसिटी भारतीय प्रधानमंत्री के अला से जनकपुर के भेटले है, जेकर लाभ आवे वाला दिन में भेटते। दोसर से कि इस कनेक्शन जो नया आले है एक केना हम सब यूज करें, एक यूज करे के तरीका कृषि क्षेत्र में हम कहे हम सब देखे तो होबे फेसबुक में आकर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सब आब रहा है, हम देखलिए एक चाइना के अथी छलिए न्यूज में एक मशीन से देखलिए खेत में एना घुमाबे छलिए आ ओ जे धान काट काट के बोझा अपने बाइन बाइन के फेंके छलिए, तो हमरा कहा मतलब अहाँ के धान रोपू वाला आबे छै, गहूँ रोपू वाला आबे छै, काटू वाला आबे छै, आ छानू वाला आबे छै, 1 से 2 आदमी से काम भ रहल छै, तो अहाँ के मैन पावर के जे कमी छै एक लगे कृषि उपकरण चाहिए अहाँ के, तो कृषि उपकरण में अहाँ वीरगंज में कृषि औजार कारखाना खोल के अहाँ वही किस्म के उपकरण तैयार नहीं कर सके, पहले खोलने चलिए बंद करे पड़े अहाँ के, अहाँ बनबी वह खुरपी वह कोदारी तो वैसे तो नहीं होते, तो की तो वही चीज में सबसे ज्यादा सब्सिडी दे कृषि उपकरण उपलब्ध कराव पड़े, जेना खाद में दिल की सब्सिडी और अन्य चीज में दिल की है, हमार कहना मतलब जब रोजगार के आदमी के आवश्यकता परिपूर्ति होती है केला विदेश जाते हैं, उतने नहीं जाते, जना अहाँ 7 लाख रुपया से अच्छी प्रमाण पत्र रही के कहे ऋण दे, लेकिन ऋण तो अहाँ पहले कहने रही 2 लाख रुपया हम बिना दी तो ऋण देवे, इन प्रक्रिया तो अहाँ तते लंबा कर दी कि ऋण नहीं भेटित रहे, कोई बैंक लगानी करे ला तैयार नहीं होते रहे, लोग दूर दूर बोवात रहे, वैदेशिक रोजगार फर्के का मान चले चाहे सिर्फ को आधार में 10 लाख रुपया बिना दी तो ऋण देने कही तो देगी, तो ये पॉपुलर बजट नहीं ली, परिणाम मुखी बजट लाव पड़े कि परिणाम निकाल क्राइटेरिया से तुरंत आव पड़े कि केना देवे अहाँ, तो हमरा सबके प्रदेश नंबर 2 के लागे तो कृषि और टूरिज्म के लागे इस पर्याप्त संभावना से, लेकिन इस संभावना के इम्प्लीमेंटेशन केना करबे, अभी तक तो हम सब देख रहे हर एक साल बजट अबे छै
हरेक साल क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने कृषि को यसरी उत्पादन सिंचाई को यो व्यवस्था करने तो व्यवस्था करने आ साल भर बीत जाए और जब तक छी हम सब वही तम जीरो के जीरो पर छी मेची से लगे बर्दीवासम रेलवे लाइन बनाने गए 20 वर्ष में तो 71 किलोमीटर बनबे नहीं कल यहाँ से अहाँ जे मेची से लगे जे जनकपुर बर्दीवास तक रेलवे लाइन बना दे रक्सौल तक काठमांडू बना देवे तो ये सपना देखना ही अच्छा बात है लेकिन भाई बहन चीज तुरंत राष्ट्र के आर्थिक नीति में आर्थिक उदारीकरण में आर्थिक गतिविधि में तुरंत सपोर्ट कर सके तो इस चीज के ज्यादा से ज्यादा फोकस करके परिणाममुखी बनावे पड़े लोकप्रिय नहीं बनावे पड़े कनिका छ लोकप्रिय बनेला से परिणाम कुछ नहीं होते शून्य के शून्य नहीं जना निर्मल जी बहुत बड़ा से बात करें यदि विमानस्थल में हीरा जी यहाँ दिस जाए विमान के बाद विमानस्थल में विमान के जनकपुर विमानस्थल के क्षेत्रीय बनावे के उल्लेख कैने तक हम दोसर देश संगे जोड़ के विषय वस्तु कतौ न कतौ देखा रहा है अर्थ या बजट पर निर्भरता बढ़ा रहा है अर्थात जखने विमान जते एक दोसर देश संगे जोड़ के एक कारण से युवा जा रहा है विदेश सहज होते कतौ न कतौ पलायन के अवस्था है कि आप उद्योग दू नंबर प्रदेश में खुल के अवस्था नहीं केवल अहे वैदेशिक रोजगार से रेमिटेंस चल रही वह से देश चलते अर्थात जनता के संगे टैक्स भंसार से लड़ रही विभिन्न कर के नाम पर लड़ रही वही से देश चलते अब दोसर कोनो विकल्प नहीं रह नेपाल के पास में कलीप जनरल जी कि बजट सफेद हाथी के अलावा किसी नहीं सफेद हाथी के देखावे लागत के अलावा एक किस नहीं कर अहाँ देखियो लोग सब की कह रहा है कि बजट में कि अहाँ के चीनी उद्योग डंडी उद्योग सीमेंट उद्योग पर आत्मनिर्भरता बनबे अहाँ ये बात देखियो अभी रिसेंटली उदाहरण चीनी उद्योग के हम बात कर रहा छी प्रत्येक सुगर इंडस्ट्रीज के गोदाम में चीनी सड़ रहा है चीनी बाजार में बिका नहीं रहा है अहाँ के आयात शुल्क चीनी के इतने कम है कि विदेशी चीनी ला करके इतना पर सस्ता पड़ रहा है आ घरेलू उत्पादन जो चीनी है वो महंग पड़ रहा है तो सरकार के नीति ये बननी चाहिए कि हमारे घरेलू उत्पादन के ना खपत हो तब उसको किसान के हम सब पेमेंट कर दें तो सरकार की नीति की उद्योग मंत्री की कहे सीधे मतलब हचुआ ताल में देश में लॉ एंड ऑर्डर जनावे सब उनको किसान ने पेमेंट न करे हमें थुन दिशं सीधे लगाकर थुन दिशं मतलब देश में लॉ एंड ऑर्डर कुछ सिस्टम चलते नहीं ये तो देखियो उनका गोदाम हम की जा रहा यदि भारत में वह चीनी मिल प्राविधिक सेमे हेतु सब चीज सेम से ओतः उत्पादन हो वो सस्ता में बिकाय नेपाल में उत्पादन हो वो महंगा में किया बिकाय पर टैक्स चीनी के उत्पादन आयात सामान सब करे पड़े मेटेरियल अहाँ कहे जना मोटरसाइकिल वह मोटरसाइकिल ओतः 20,000 में मिले ये 1.5 लाख में पड़ जाए एनाही तो बहुत सारा चीनी मिल के इक्विपमेंट से लेकर के अहाँ के विद्युत से लेकर के सब कुछ के खर्चा जोड़ पाए तब जाकर के इतना के कॉस्ट के सब पड़े प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ के इंडिया से बहुत ज्यादा पड़ी इतना सब्सिडी के कोनो व्यवस्था नहीं करने जी भारत सरकार चीनी पर सब्सिडी दे अहाँ बुझे के चाहिए अहाँ के पाकिस्तानी चीनी अभी आबि रहा है इतना पर एक तरफ अहाँ कह छी कि चीनी के आयात के हम आत्मनिर्भर बनाबे दोसर तरफ अहाँ की कह रहा छी कि हम मतलब जे इतना के जे घरेलू उत्पादन जे चीनी सब गोदाम में सड़ रहा है एगो चीनी उद्योग के मिनिमम कॉस्टेशन अहाँ के 500 करोड़ रुपया पड़े 500 करोड़ रुपया जे आदमी जे घरेलू जे इंडस्ट्रीज घराना लगे जे 500 करोड़ रुपया ओकरा अहाँ कहे छी सीधे ले जाके थुन देबे जे अहाँ के ठूलो करदाता में अभी जेकर कर से अहाँ के टैक्स अहाँ जे मंत्री जे गाड़ी चढ़े मंत्रालय के सचिव जे तलब पबे उ सब के जे 13 लाख करदाता के अहाँ कहे छी ले जाके थुन देबे कोनो इज्जत ओकरा से बात करे के जगह पर समस्या के निराकरण करे के जगह पर ओकरा अहाँ हड़कबे छी जेना देश में इमरजेंसी लागू भ गेलै ओ हिसाब से मैंने तो निर्माण व्यवसाय के अहाँ के समय में काम करे ना भले मतलब तो हम सीधा लगे रखून दिल एक सबके नियम है कायदा है अहाँ ओकरा पहले चिट्ठी काटियो ब्लैकलिस्टेड करियो ओकर नहीं काज करे तो ओकर धरोटी जब्त कर दियो देश में मतलब अराजकता के अराजकता है वही हिसाब से वर्तमान सरकार बात करे है वही हिसाब से अस्पताल के बजट लबे है अहाँ देखियो चीनी उद्योग के हजारों टन चीनी सड़ रहा है जब हमरा अपन जीडीपी में घरेलू उत्पादन के चीनी सही कर रहा है तो चीनी हम आयात के लागी करो हम चीनी आयात पर रोक के लागी नहीं लगाए चीनी यह चीनी जब बिकते व्यवसायी के गोदाम से उद्योगी के गोदाम से जब चीनी बाजार में खपते तब ना चीनी कृषि कृषक के चीनी कृषक के उसको कृषक के यहाँ के पेमेंट होते उस समस्या पर सरकार बात नहीं कर रही जैसे अभी अपने यहाँ बात कर लिया
कि क्षेत्रीय विमान स्तर ठीक है चाहिए विमान स्तर से आर्थिक गतिविधि बढ़ते सब कुछ बढ़े के चाहिए जे जाए वाला लोग छे काठमांडू जा करके मान लो 10 दिन रह करके जे अनाह खर्चा तिरियो का एत से होते ओकरा ई एयरपोर्ट विस्तार होय के चाहिए मगर हमर जे कामदार है वो केना ये देश में काम पाते इहो वातावरण बनावे सरकार के दायित्व छे सरकार ओकरा 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया ऋण दे करके बाहर भेजे के वातावरण मिलना दोसर बात जहां बाहर जाए छे ठीक है एक दिन में तो नहीं रुक जाते विदेशी रोजगार जे छे जे एक दिन में तो खत्म नहीं कर सके सबके रोजगार नहीं दे जा सके तो जे भी जा सके ट्रेनिंग ट्रेंड फॉर स्किलफुल हैंड्स जाए स्कूल फील के मतलब स्किल के व्यवस्था तो हम सब कर सके छी ना तुरंत हाथ में आन कर सके छी ना विदाउट स्किल के अहाँ परमिट वीसा नहीं दियो कौन में जा रहा छी स्किल जते तो बेसी होते आ दोसर जना अभी निर्मल जी सब कर रहा था दुनिया में प्रदेश भाई अहाँ के कृषि में अहाँ लग कृषि भूमि इतने है कि हैंड्स के बिना मैन पावर के बिना अहाँ के कृषि पूरा मतलब एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है आधुनिकता की तरफ अहाँ एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है अहाँ झूठ मूठ के मतलब साना कृषि ऋण सब माफ कर दे रहा है साना कृषि वह कृषक पर अहाँ तो सोच छी कि कृषि मुखी देश बनाए आ वह ट्रैक्टर पर अहाँ भैट लाद दिए विभिन्न तरीका के कर लाद दिए कतौ मतलब क्षेत्र में 1% या स्वास्थ्य क्षेत्र में 1% कर अहाँ छोड़ दिए वही सबसे कोना उन्नत वो सब निकल परिणाम मुखी नहीं हो करके लोकप्रिय लोकप्रिय जना अभी कल के ना अहाँ के अथी के सहकारी के ऋण कृषि के ऋण माफ कर देवे के 1% अभी सबसे परिणाम नहीं होते अभी सबसे की होते लोकप्रियता अहाँ मात्र दिखा रहा छी अभी सबसे कोनो ठोस आयात नीति में या निर्यात नीति में या देश के घरेलू उत्पादन में जीडीपी ग्रोथ में रोजगारी बढ़े के अय में या कोई भी प्रसंग या जनकपुर के अहाँ एक मिनट के लाइक करके जनकपुर के विकास के बारे में जबकि दोनों प्रदेश के वो राजधानी है खाली जानकी मंदिर के जोड़े के तो विभिन्न सेक्टर से जो हमारा टूरिज्म विकास में जोड़ सके छी मतलब जहाँ 15 दिन परिक्रमा है परिक्रमा क्षेत्र के विकास के लागि सरकार की सोच सके छे जना रोजा बाजार में मुस्लिम धर्म में मिलने के बहुत बड़ा अहाँ के आस्था के केंद्र बिंदु छे ओकरा के ना जोड़ते टूटेश्वर नाथ महादेव नाथ के ना जोड़ते अहाँ के कंकालनी मंदिर के गाड़ी माई सब के ना जोड़ते अहि सब के विषय में सरकार किछ नहीं बाजल छे बजट किछ नहीं बाजल छे एकदम गौन रख देले छे एगो जस्ट एगो नाम मात्र के लागि कि मतलब जे भेदभाव नीति जे मतलब मधेश के साथ में होत आइले इहो बजट में मधेश के साथ में भेदभाव पूर्ण बजट छे खाली जानकी मंदिर के नाम के लागि छू देले छै बाकी न गरीब मान के छूले छै न खाली मंदिर के छूले छै न शैलेश मंदिर उनका छूले छै न अहाँ के कहू न चूड़े संरक्षण के बारे में सूर्य में जो बहुत स्कूप सब छै ओकरा सब के बाजारीकरण के बारे में नहीं छूले छै ई बेल्ट में उद्योग केना बढ़ते जना कृषि उद्योग के बारे में बिजनेस कृषि कारखाना के कृषि औजार कारखाना के विषय में तलक है जबकि प्रदेश सरकार आ केंद्र सरकार दोनों से जचुकाली चला पुनः संचालन करने के बात है वही संदर्भ में सरकार बन रहे अपने के रेलवे के विषय में कहे तो छे ज्ञापन भी तक ले रेलवे संचालन का भी पर केना संचालन होते डिब्बा कत से लबे इंजन कत से लबे अय सब के विषय में बजट किछ नहीं बाज रहा छे अय सब के विषय में ढोंग छे त ई सब जब एते कत से आते त बजट परिणाममुखी नहीं हो करके बजट सफेद हाथी के दिखावे वाला था मतलब चीप लोकप्रिय सस्तो लोकप्रियता कमाए वाला बजट से जे हम सब अनुभव कर ले रही कि बहुमत के सरकार छे भारी बहुमत के सरकार छे एगो ठोस नीति लाते एगो आर्थिक क्षेत्र में देश के मनमोहन सिंह मनमोहन अधिकारी की जे सरकार रहे वही लोकप्रियता के बजट में नहीं आले जे परिणाम मुखी जे बजट आबे के चाहिए ना जना 10 साल से इंफ्रा मतलब 15 20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आयल छे मतलब 10 साल से विगत 20 साल से कहियो कि एते बहुमत के एते टिकाऊ सरकार कमती में हम सब नहीं देख ले छी जते परिणाम तो हमर सब के रहे सरकार तनका हार्ड लाइनर बजट रहते जे निजी क्षेत्र से लेकर के कृषि क्षेत्र से लेकर के देश के आर्थिक समृद्धि के तरफ फ्राकिलो बाटो फ्राकिलो मारते एहन बजट रहते मगर बजट में इस समय कुछ दिखाने पड़े बजट एकदम कम्प्लीटली सस्तो लोकप्रियता कमाए वाला बजट है ललित जी बजट में ही कह रहा है जे हम सब लगानी मैत्री वातावरण बनाए लगानी लगाए लगानी के आकर्षण करे के वातावरण बना दे पहल नहीं भ रहा है ऐसे विगत के सरकार से हो कह रहा है लगानी मैत्री बना पहल नहीं भ रहा है अवस्था दू नंबर प्रदेश में अगर देखल जाए तो समग्र हिसाब से उद्योग की अवस्था उतनी संतोषजनक नहीं है जे उद्योग से धराशायी भाग बंद भग बात छे जे हम जचू काली चला बजट मौन से कृषि औजार कारखाना चीनी मिल लगायत के जे जूट मिल लगायत के जे उद्योग सब छे ओकरा चलाबे छे संपूर्ण चीज में मौन बैसल छे आप बुझा रहल छी जे सरकार
केवल कहै छै जे लगानी मैत्री रहब, लगानी मैत्री के अवस्था नै छै, उद्योग खोलक अवस्था आब अवस्था नै छै। देखियौ बात सही कहलिय अपने, निश्चित रूप से की है संघीय सरकार के पहिलहो नेपाल सरकार के कथनी में करनी में फर्क है। क्षेत्र के हमेशा से बाइकाट करके चलल है, हमर सबके क्षेत्र बहुत पछाड़ी पड़ल है, कैला की संघीय सरकार हमेशा इस क्षेत्र के देखे के दृष्टिकोण ओकर सबके अलग है। और इस क्षेत्र के बात ही देख लियो, सरकार एक तरफ कह रहा है कि हम उत्पादन 5 बरस में दोब्बर कर, अहाँ उत्पादन दोब्बर करबे, लेकिन जो उत्पादन अहाँ के देश में भ रहा है वह सामान अहाँ विदेश से आयात कर रहा है, अहाँ मतलब सहूलियत दर में उत्पादन कर रहा है, अहाँ के दोब्बर उत्पादन बढ़त कहाँ से, अहाँ खपत कहाँ करबे? बाजार के अवस्था ठीक नहीं है, बाजार के अवस्था ठीक नहीं, अहाँ ऑलरेडी जितने खपत है अहाँ के देश में उत्पादन भ रहा है, अभी के बजट में ही कह रहा है कि दोब्बर उत्पादन करबे, अहाँ वह सामान विदेश से मंगा रहा है, तो अये के अहाँ के शहर में हो चाहे नेपाल के हरेक कोना में जे उद्योग सब है, उद्योग सब तो धराशायी भ जाते, अहाँ वास्तव में की कि हमरा सबके नेपाल सरकार के की एगो लगी है संघीय सरकार के कि राजस्व केना हमर बढ़त ओहि पर ज्यादा फोकस रही, कोनो भी व्यापारी जे व्यापारी अपन सारा चीज सरकार के जिम्मा में धके समझू अपन बंधक धके वो अपन मेहनत से लगानी करके सारा चीज से उद्योग एगो स्थापना करी है, चाहे एगो अपन व्यवसाय स्थापना करी है, और समय समय पर अहाँ सब सुनले होबे कि जब भी मंगल समाते रहले पकड़े रहले वातावरण हटकर लगा दे है, मतलब सरकार आई के अवस्था ई छे जे व्यापारी सब त्रसित छे, अर्थात लगानी अवस्था ठीक नै छे, सुरक्षा के अवस्था ठीक, वातावरण बनाबे के जिम्मेवारी संघीय सरकार के है, वो वातावरण बनाबे में कथनी में करनी में फर्क है, कही कुछ करी कुछ निश्चित रूप से आई देखियो 14 उद्योग हमर सब के जे मदिरा व्यवसायी सब उद्योगी सब जे है से आई संकट में पड़ल, कौन नीति है नेपाल सरकार के अहाँ सील कर दिल भाई ओकर निराकरण करू ना, वो व्यवसायी अभी बहुत कठिन, उनका दुनिया भर के बैंक से लग के लोग काम करे है, उनका तुरंत ही निराकरण कर अनुसंधान करके तुरंत ओकरा वो करे पड़े क्लियर करे पड़े, उद्योग बंद करके सरकार के भी नुकसान है और उद्योगी के भी नुकसान है, सरकार ए पर मौन है। तो की है कि ये हमर सबके क्षेत्र में देखियो दुइये गो चीज के संभावना है कि आर्थिक रूप से इस प्रदेश के इस शहर के इस जिला के अगर सबल बनाबे के है तो कृषि और पर्यटन, जे दोनों चीज पर ई बजट पूरा इग्नोर कैले छै, देखियो कोनो खासे ना एहि क्षेत्र में कोनो उद्योग नया स्थापना कलकैए जो रोजगार के अवसर भेटते, जेकि सबसे ज्यादा युवा पलायन विदेश एहि जिला से भरल है, एहि जिला में कोनो ओहन रोजगार के जे व्यवस्था होते अति नेपाल सरकार के द्वारा से हम कहीं नहीं देख रहे छी बजट में। कृषि, कृषि में जे मान लियो सबसे ज्यादा बांझे जरे जाए जमीन एहि जिला में, एहि जिला में सब जाते एहि जिला के लिए कोनो बजट में कतौ देखल नहीं गेलै, तो कि है कि हमेशा एहि क्षेत्र के एहि जिला के हमेशा संघीय सरकार मतलब एकदम इग्नोर करके चल रहल छी, हम सब देख रहल छी, आ हम सब नेपाल सरकार से हमेशा मांग करत रहे छी औद्योगिक कॉरिडोर के लेल, मान लो आइ से 10 बरस पहले से हम सब जते भी अर्थ मंत्री रहली सब के डेलीगेशन लगे गेल छी, हमेशा हम सब एयरपोर्ट के स्तर उन्नति के लेल हमेशा डेलीगेशन देले छी, विगत हम सब लगे 20 बरस से दे रहल छी, आइ तक एयरपोर्ट के अवस्था देख ली है, तो हमरा लगे कि ई बजट मात्रे कि ऊपर से देखा वाला बजट मात्रे है, भीतर से हमरा नहीं लगी है कि वैसे हमर सबके क्षेत्र या वैसे बहुत बड़का हमर सबके विकास फर्को मारते तेहन हमरा देखे में नहीं लग रहा। निर्मल जी हम अहाँ सबके दूटा बात राखब, एकटा बात जे अखन आबि रहल छै जे कृषि क्षेत्र के विकास करे के हिसाब से जे कृषि के खेत सब बाझो भ गेल छै काम चलाव नै छै तै हिसाब से आब खंडीकरण कृषि प्रणाली या कृषि जे खेती भ रहल छै ओकरा रोक कर सहकारी वा चकलाबंदी खेती में जाय जाय एकटा विकल्प छै। दोसर अहाँ सबके उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष स्वागत कलके बजट में किछु कर कटौती कलके रे त अहाँ सबके सहूलियत भ गेल आम जनता के लेल अहीं के हिसाब से बजट उपयुक्त नै छै तखन अहाँ सब समग्रता के हिसाब से किया ने प्रतिक्रिया व्यक्त करै छी जे केवल ई कहै छै जे हमरा अहाँ के राजस्व कर में कनी छूट कर देली तै दुआरे बहुत बहुत धन्यवाद।
सहकारी के माध्यम से जाओ या चकलाबंदी के माध्यम से जाओ, आखिर कृषि उत्पादन कर के ध्येय न से हम सबके, तो कोनो माध्यम से जाए तो मैन पावर तो चाहिए, मैन पावर के विकल्प अहे यंत्र चाहिए, तो कोनो हालत में वो यंत्र के व्यवस्था तो करो पड़ते हैं, चाहे अगर सब्सिडी दे के करूँ चाहे जे विकल्प से करूँ, उत्पादन अहे हो पड़े नंबर एक। दूसर बात रह गई कर छूट के बात, महासंघ के अध्यक्ष स्वागत कलखिन नहीं कलखिन, वो संपूर्ण नेपाल के हिसाब से कैले होते, लेकिन हम सब तो खास करके अपन प्रदेश नंबर दू के बेसी फोकस कर रहा कैला हम ऐसे बेसी संबंधित छी, ओकरा बाद हम नेपालों के परिप्रेक्ष्य में नेपाल से अलग नहीं छी, नेपाले में छी, लेकिन नेपाल सरकार तो हमारा सब दिन ठगल की ना, हम सब दिन ठगाते छी ओकरा से, 10 अरब रुपया देलकै है प्रदेश नंबर दू के, नहीं सर हमरा कह के मतलब अहाँ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया तो सब दिन अहाँ 40 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के स्तर उन्नति के लागे दिली, 5 महीना 6 महीना रहल पैसा और अहाँ ट्रांसफर कर दिली पोखर, तो पैसा हमरा दिली कि नहीं दिली से हमरा की मालूम, हमरा तो देवे नहीं कैली है, नाम हमर आ काम जो है अहाँ दोसर के, 19 अरब तो अहाँ अभी दे दिली, देखा तो दिली, अब देते कि नहीं देते ओमे कोनो मापदंड बनती कि मिनिमम यति रिक्वायरमेंट पूरा भय में होने न दिने कह के जना नगर पालिका मशीन टिक्यू की सब कहे चले तो किसी में कोनो मापदंड बनते कि रह गई कि समग्र बात की है कि जना कर में छूट जना एक पॉजिटिव बात जना कही जना एक आलिए कि 100 से बेसी मजदूर अगर कोनो कारखाना में होते ओकरा आयकर में छूट एक अट्रैक्शन कि ई ऑल कि हमरा जेहो आयकर में छूट मिलत हमरा कॉस्ट कंपिटिटिव करत में हम कतो समस्या की छे आगे आयकर में मात्र छूट बेला से समस्या नहीं छे, बस बाजार जे बाजार छे आगे बाजार के संभावना शून्य छे, यदि कृषि उत्पादन ठाम बढ़े छे लालबंदी में टमाटर खेती होई छे वो जाके आके खपत कत करते जाके अंतिम में फेंक पड़े छे किसान के अवस्था या छे बाजारीकरण के शून्यता के अवस्था छे, बाजारीकरण के शून्यता के अवस्था छे त अहाँ वही चीज उत्पादन करू ने जेती काहे छे आ ओ चीज उत्पादन केला कर छै जे नै बिकाय छै हमर कह के मतलब आग माछ बिकाय छै कि नै बिकाय छै आ माछ के उत्पादन नै करै छै आ साउथ इंडिया से मंगा ओ आहा के पाइप पड़ै छै ओतसे मंगा के ओ फ्रीजर में रख के आबै छै आ काठमांडू में निकल जाय छै जनकपुर को ताजा माछ आ पाइ छै ओ आहा के पाइप पड़ै छै हमर कहै छै जे लैंड से आहा जे चीज उत्पादन कर रहल छै ओकर बाजार नै छै आ जे चीज के बाजार छै ओ चीज केला नै उत्पादन करै छै वही चीज तरफ आकर्षण देव पड़े ना वही से ना रोजगारी बढ़ते वही से ना युवा के पलायन रोकबे वही से ना वैदेशिक रोजगार में जाए वाला के रोकबे कि नहीं एक मछली के पालन कर वाला बेचारा शुरू में दौड़ित दौड़ित चप्पल होकर खिया गए किनाए तो एक पोखरी से शुरू कलक आई 55 की कई पोखरी कर लेल माछ के उत्पादन से हमर गांव अब बीरगंज साइड में आ देखे थे कहे छे माछे नगर खोल देवे के 100 150 200 पोखरी हमर गांव में जे उत्पादन आके बिकेबे नहीं करे छे आके उत्पादन करे करे छे ओकर उत्पादन नहीं करू दोसर चीज के उत्पादन करू ना जे बिकाय छे हमके जे 12 मास से आइ तक तरकारी नहीं उपजै छे ओ बिकाय तो दिन जे तरकारी अहाँ इंडिया से लबै छी जे कृषि सामग्री इंडिया से लबै छी तकर उत्पादन करू ना कैला विकल्प नहीं छै से बात नहीं छै कि हमरा टमाटरे चाहे हमरा कोबिये उत्पादन करऽ पड़त से बात नहीं छै हमर गाँव में बाजारीकरण तो ही कहै छै ना हमर बाजार के आवश्यकता जब तक पूरा नहीं होते तब तक हम कैला खरीद हमरा जरूरी है माछ के हमरा कभी आटा टमाटर खरीद लियो तो हम नहीं किन हम तो माछे किन तैसे हमरा कोबी के जरूरी है अहाँ आलू उपजाए तो हम तो आलू नहीं किन हम कोबी किन तो बाजार के आवश्यकता अनुसार उत्पादन क्षेत्र में बढ़ाव पड़े हम पश्चिम के दोसर आवश्यकता होते पूरब के दोसर होते बीच के दोसर होते लेकिन ये मार्च मास ये सब तो समग्र नेपाल के आवश्यकता है ना जे चीज यहाँ परिपूर्ति कर सके छी टमाटर नहीं बिकाय छी तो टमाटर के केचप के फैक्ट्री लगावे ले कै बेर अहाँ नेपाल सरकार पहल कल एक टासी रिजाल छै इटारी में भ गेलै वही से सौसे इंडिया से अहाँ केचप आ रहा है टमाटर के केचप आ शादी ब्याह में 200 से 300 बोतल एक शादी ब्याह में खर्चा हो तो हमर कहे मतलब ओकर उ जे उत्पादन नष्ट भ रहल है तो ओकर उपयोग हम सब नहीं कर पा रहल छी ना वो फेंका जाए छी वो 50 रुपए किलो में कीन के अहाँ केचप बना के सीसी में पैक करू नहीं बिकत आई जुनार सिंधुली में नहीं अथी हो चली वन विलेज वन प्रोडक्ट में ला कम से कम जुनार के रस बना के उत्पादन करके बाजारीकरण कर रहा है तो हम अठाम जे क्षेत्र में उत्पादन होते ना ओकर हम बाजारीकरण नहीं करब हमरा मनसायो नहीं वहाँ मनसा प्रश्न हो पड़े ना हमारे कह मतलब अहाँ के चाहे न कि क्षेत्र के विकास हो तो ये क्षेत्र में वह चीज के उत्पादन हो पड़े एक जना बजट में एक चीज
कतौ न कतौ ई झलकाबे के प्रयास कर रहल छै हीराजी, जे महंगाई बढ़तै कर्मचारी के महंगाई भत्ता देल गेलै है, कतौ न कतौ देखाय रहल छै कि अन्य जे एकर अगर छुटका छुटका अगर बात पर गौर कयल जाय तऽ की देखाय रहल छै जे आगामी दिन मे महंगाई देश मे बढ़ वाला छै, बजट समाधान नै लकतै कि समस्या थपा कऽ औतै। हम पहिले कहलियै हैं कि स्वस्थ लोकप्रियता युक्त बजट छै, ठोस परिणामों के बजट नहीं छै। जब ये कोई भी देश के बजट जे वो हुई है वो आर्थिक समृद्धि के लागि आ जी डी पी ग्रोथ के लागि बहुत महत्वपूर्ण रखे छै, आ जे कि ई बजट में नहीं देखा गेलै है। अहाँ सस्तो लोकप्रियता वाला बजट लगे तो निश्चित रूप से देश के जी डी पी ग्रोथ में हरासमेंट रहते, देश के समृद्धि में हरासमेंट रहते, देश में महंगाई बढ़ते, ठोस नीति नहीं रहते समृद्धि के तौर पर बजट में देखा पड़े। सस्तो लोकप्रियता में कर्मचारी के महंगाई भत्ता बढ़ा दिलिये, सैलरी बढ़ा दिलिये, वोट बैंक के राजनीति कर लिए अहाँ, ठीक छै। अभी जेना कृषि आधारित जो प्रदेश छै कृषि आधारित छै, कृषि आधारित सब राज्य छै पटक पटक आवाज उठे छै। अभी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सातों प्रदेश में अपने के आर्थिक बहस चलल गई है, जब दो नंबर प्रदेश में चल रही तो विभिन्न बिग सब द्वारा एकदम क्लियर रूप में कहल गेलै, नेपाल सरकार के कहल गेलै, जे प्रतिवेदन नेपाल सरकार के बुझाय गेलै, अर्थमंत्री के बुझाय गेलै, प्रदेश सरकार से आईएमई साइन भेलै, अहिने एकदम स्पष्ट रूप से कहल गेलै कि प्रदेश नंबर दू के आर्थिक विकास में कृषि के आधुनिकरण आ बाजारीकरण करल जाय, तो कृषि से ई देश ई दू नंबर प्रदेश अपन अपन नहि समग्र देश के पाले के क्षमता रखे। जेना अहाँ के नगदे बाली सब है, विभिन्न राष्ट्र के अहाँ के धान सब छै, बासमती धान सब छै विभिन्न तरीका जे आइ लोकमुखी छै दू चार गुना बासमती चावल सब, ओ बासमती चावल सब के हमसब अगर इस्तेमाल करू, उत्पादन के तरफ ध्यान दिए, अहाँ के कमला सुनकोशी डाइवर्सन आधुनिक सिंचाई के तरफ अगर ध्यान दिए है ना, अपने के ओ जे ओकर बाद सिंचाई के आधुनिकरण हमसब करबै तऽ निश्चित रूप से कृषि के सिंचाई आ कृषि के आधुनिकरण करबै तऽ अहाँ के उत्पादन बढ़तै, उत्पादन बढ़तै तऽ अहाँ हमरा सबके बाजारो खोजे पड़त, पूंजी लागि मतलब कि प्रदेश से खपत से बेसी होतै, बेसी खपत होतै तऽ अहाँ की करबै। जेना चावल विदेशी मतलब बासमती के हमसब केना आयात नहीं करके निर्यात के तरफ हमसब केना जाए, ओहि तरफ कोनो ठोस नीति सरकार नहीं ले लै छै। जेना अभी हमर अगजनीनो राजू कहलखिन हँ कि सॉस टमाटो उत्पादन होइ छै, टमाटो फेकाइ छै, मगर घरेलू कृषि आधारित उद्योग के लागि ओकर अनुदान आ सब्सिडी देबे के लागि, कर छूट के लागि, ओकर बैंक लोन के लागि सरकारी बजट में कोनो पहल नहीं कर लै छै। अहाँ कृषि आधारित उद्योग लगाओ तो सर बैंक अहाँके एतेक दरमे एतेक लोन देत, ई लोन में अहाँके सब्सिडी एतेक मिलत, कर छूट अहाँके एतेक मिलत, मतलब तो प्रोत्साहन करे वाला कृषि आधारित उद्योग के प्रोत्साहन करे वाला सरकार एक भी नीति नहीं ले लै छै, जबकि दू नंबर प्रदेश एकदम कृषि से समृद्धि हो सकै छै, मतलब बहुत धार्मिक टूरिज्म से समृद्धि हो सकै छै, एहि सब क्षेत्र में कोनो ठोस पहल नहीं कर लै छै। अहाँके एको किछु कृषि आधारित उद्योग के लागि प्रोत्साहन नहीं देले छै। अहाँके धनसा जिला के कहबै, खास करके हम तनिका धनसा जिला पर केन्द्रित होइ छी, धनसा जिला पहिले अहाँके अर्थमंत्री महेश बस्मित रहै, मालिक रहै, ओहि टाइम से पहिले अति अविकसित जिला के में रहै धनसा जिला के, महेश बस्मित उद्योग मंत्री रहल टाइम में की करल जाय अविकसित मिला देलकै। अहाँ एगो बात बतैयौ, जबकि आईएलओ के रिपोर्ट अनुसार ई दुनू प्रदेश के आठों जिला अति अविकसित में पड़े छै, एगो मात्र धनसा जिला के अहाँ अविकसित में रख देलिए है, आ जो अति अविकसित विकसित और अति विकसित में मतलब टैक्सेशन के बहुत छूट पड़ी, लोग कैला कि धनसा जिला में उद्योग लगाते, लोग लालगढ़ से जाकर के बर्दीवास में उद्योग कैला नहीं लगाते, कैला लालगढ़ में उद्योग लगाते, छूटे तने भी दूर, तो सरकार के इस संदर्भ में कोनो दूरदर्शन नहीं छै। सब अगल बगल के जते जिला छै अपने के सब अति अविकसित छै, एगो धनसा जिला मात्र अति अविकसित में रख देलकै है, अति अविकसित से विकसित में रख देलकै है, तो सरकार के दोनों नीति नहीं छै, तो की छै। सरकार अभियो चाहै छै राजा महेंद्र के पाला से जे ई मदेश दू नंबर प्रदेश जेकरा तथकथित हमसब आइ कहै छी जे सरकार के दोनों नीति मापदंड में जे हमसब पढ़ल छी, ई बजटो में उहे मापदंड हमरा सबके देखाई पड़ रहल है। बजटो में हमरा सबके लागि खास करके दोनों प्रदेश के लागि आर्थिक उन्नति के लागि, चाहे उद्योग क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग क्षेत्र में, कोनो क्षेत्र में वो विशेष पैकेज जे बार बार प्रत्येक नेशनली इंटरनेशनली आवाज उठ रहा है कि देश संघ्यता तभी सफल हो सके इस देश में जब तक दू नंबर प्रदेश में संघ्यता सफल नहीं होते।
संहिता इस देश में सफल करे लागे, दू नंबर प्रदेश में संहिता सफल हो पड़ल, दू नंबर प्रदेश के समृद्ध हो पड़ल, तभी इस देश के चाहे मतलब संहिता सफल होते देश समृद्धि के बात को पुजे सके। अ देखते हुए विभिन्न भारतीय मित्र राष्ट्र भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कोनो कोनो राज्य के लगी राज्य मतलब केंद्र विशेष पैकेज देंगे 200 करोड़ 500 करोड़ है ना 1000 करोड़ 2000 करोड़ के विकास कार्य विशेष पैकेज दी, ओहन कोनो विशेष पैकेज दू नंबर प्रदेश के लगी सरकार ने दे दी। हमारे पुण्य आशा रहे कि जे प्रदेश कहूँ अपने के 6 महीना के बंदी एत बड़का आंदोलन एत सब कुछ उद्योग धराशायी है, विदेश पलायन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, है ना, सुरक्षा के ओहन वातावरण नहीं है, तई राज्य के निश्चित रूप से दू नंबर प्रदेश के हमारा सबके आशा रहे सरकार विशेष आर्थिक पैकेज देते बजट के अलावा भी एगो आर्थिक पैकेज के जैसे जना कहलिए ना 19 अरब रुपया के अलावा भी एगो विशेष आर्थिक पैकेज के हम सब आशा करते जो सरकार ने देते। निसंदेह कहीं ना कहीं सरकार के मन में वैर भाव है, सरकार विभिन्नता से काज कर रहा है, सरकार के देखे के नजरिया करे के नजरिया एकदम अलग अलग है। आ जहाँ तक अपने बात कर लिया उद्योग वाणिज्य महासंघ के कि स्वागत कर रही है, तो निसंदेह अपनों से पत्रकार महासंघ वहाँ सब देखते हुए इस प्रदेश के जो महासंघ है आ केंद्र के महासंघ के दोनों के नजरिया एकदम अलग अलग रही। हम सब प्रदेश के महासंघ रहे अपन प्रदेश के हक हित के बात करे, केंद्रीय महासंघ वो अपन हक हित के जगह जगह कमी ऑफ फीलिंग हम सब कहे जे कि देखे के नजर भेदभाव है जब हम सब कहे कथी कहे यहाँ जाले मतलब जाले भेदभाव खत्म नहीं होते जाले दोनों मापदंड खत्म नहीं होते ताले देश समृद्धि की तरफ नहीं जा सकते। महासंघ वह धारा पर कहीं ना कहीं महासंघ के भूभाग के देखे के नजरिया भूभाग के देखे के नजरिया विभिन्न अलग है। मधेश आंदोलन के टाइम में देख लो मधेश आंदोलन को औचित्य छाइन महासंघ रहे आई एत पर परसेंटेज उद्योग वाणिज्य 22 जिला के परसेंटेज उद्योग वाणिज्य सब जिला में शायद नेतृत्व कर ले रहे आंदोलन ये नजरिया सब है, ये सब स्थिति है, तो भेदभाव से हम सब जाले भेदभाव से ऊपर नहीं उठते, सरकार नहीं उठते, संसद नहीं उठते, केंद्रीय संघ शासन नहीं उठते, ताले ये देश समृद्धि के तरफ जाए के बाटो हम सब नहीं देख रहा है ना। सरकार निर्मल जी जना अखन के अवस्था देखल जाए तो कृषि कर्जा के जो ब्याज है वो बहुत बेसी है, यदि कार किनी छी कोनो आदमी तब कम ब्याज भेटे कम ब्याज दर में ऋण भेट जाए, लेकिन कृषि यंत्र सब किनी छे में बेसी ब्याज छे, त की आहा के समानता इस बजट कह रहल छे जे समाजवाद तरफ उन्मुख हेते सरकार एकर बजट के लक्ष्य छे समाजवाद, त कतौ न कतौ देखाय रहल छे जे गरीबी गरीब गरीबे भ रहल छे अमीर अमीरे भ रहल छे, समाजवाद दिस जते केना ई बजट अगर इएह कल्पना क कर यदि राष्ट्र जाय छे त समाजवाद अति केना समाज में या नेपाल में, ये तो विडम्बना से सबसे बड़का कि हम सब बात जो है समाजवाद के करे और जो है सारा चीज जो है वैदेशिक हिसाब से करे हमारे हमारा आवश्यकता है कृषि के। हम कार के बात करें कार किनल है हमारा एकदम सॉफ्ट लोन दे दी आ कृषि यंत्र किनल है हमारा जो है हार्ड लोन दे दी, तो उत्पादन मुखी चीज के अहम बढ़ावा नहीं दे रहा आ गैर उत्पादन मुखी के चीज के कैला बढ़ावा दे रहा कि हम ओकरा से टैक्स ले छी भरपूर टैक्स ले छी। इंडिया में देख ली वन टाइम टैक्स पेड छी गाड़ी ये तो जे है साले साले टैक्स ले छी 1000 cc से ऊपर जाओ तो 25000 रुपया अभी हम सुन लिए 50000 का दे 60000 का दे 150 cc से मोटरसाइकिल से ऊपर जाओ तो आगे 6000 का दे। हमर का मतलब आहा कहै छी की आ करै छी की मतलब से तो चरित्र से देखावट भ रहल है के सही नियत न है से प्रष्ट भ रहल है। हमर का सही नियत में आवे पड़ल न जे कृषि यंत्र जे ट्रैक्टर जे कृषि के सामग्री कृषि में काज लगते जरा पहले छूट में दे चलिए कर्जा प्रवाह करे चलिए किसान के वैसे सहूलियत दे चलिए तो सारा चीज अहाँ बंद कर कृषि यंत्र में सारा सब्सिडी बंद कर दी कृषि के कारखाना चलिए ओकरो बंद कर दिली तो केना है मतलब रोजगार सृजना करबे केना उत्पादन सृजना करबे केना फॉरेन करेंसी डेवलप करबे ना आ टूरिज्म के विकास करे चाहे छी ना एग्रीकल्चर के विकास करे चाहे छी तो हम सब तो दू नंबर प्रदेश वही से संबंधित छी हम तो विकास के क्रम में बहुत पाछा रह जेबे ना हमरा सब के तो जरा कहै छी ना दिवालिया प्रदेश जेखा बनावे की स्थिति छै अहा टूरिज्म के पूर्वाधार नहीं विकास करे चाहे छी जे छै हमरा लग सेहे बहुत छै हमरा लग
तो वो अहाँ कर पड़ी ना अहाँ के उदार रूप से आव पड़ी सत्य रूप में आव पड़े कि अमे लगानी करती हमारा बेनिफिट होती। अब अहाँ पूर्वाग्रही भ के काज करब तो लगी कि होती धीरे धीरे मनस्थिति जेना बिगड़ल छे फिर बिगड़ते चल जाए। अमे खास कर के अभी तो 7 प्रदेश में 6 में तो वाम गठबंधन के सरकार है, एकटा पृथक प्रदेश है जैमे जे है दोसर मधेशी दल के सरकार है, वह मधेशी दल अब सरकार में जाए के तैयारी में छे। तो हमार कहब मतलब अहाँ अपना प्रदेश में जत अहाँ के सत्ता है सरकार है जत अहाँ के जनता है जत अहाँ के वोट देवे जितबे से अहाँ से आस करे कि हमारे विकास में अहाँ सहयोग कर तो अहाँ ठीक से सरकारे में जाऊ ना, नेतागिरी करे वाला के पॉलिटिक्स करे वाला के तो सरकार में जाना कोनो बड़का हरी बात नहीं, जाऊ के चाहे लेकिन ऐ देश के कायाकल्प केना हो एते पूर्वाधार छे जे मतलब लिंक रोड से अहाँ हल्दिया से जुड़ रहल छी, रेलवे से जुड़ रहल छी, अगर अहाँ ट्रांसपोर्टेशन के बात करी छी तो चाइना जे है कहे छी खासा होके हमरा जे है रोड दे तू जे कम से कम दोलका होकर के जनकपुर चल आवे रामे छाप होकर के जैसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खासा से लग भाया नेपाल होते हुए इंडिया के सारा लिंक से जुड़ जाए, जयनगर बर्दीवासी अहाँ के जे का जे अथी सब अथी रेलवे के बॉगी सब सामान लेके वही बॉगी से यहाँ सारा इंडिया में खासा के सामान चाइनीज सामान जो इंडिया तो मंगबे छे अही मार्फत यहाँ पठाव सके ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म के कते बड़का डेवलपमेंट होते एक क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्टिविटी कते बढ़ते एकदम सोझे जीरो से 90% के भाग जेते तो ई तो हमरा गांव में सहृदय अहाँ के आव पड़े अहाँ वही ला हम सब कहे लोकप्रिय बजट है ठगे वाला बजट नहीं करू ना, अहाँ यथार्थ में आऊ ना अहाँ के की मतलब दिक्कत बुझाई छे प्रवेश नंबर 2 से कोनो दिक्कत है कोनो गिला है सिकवा है अब तो जे छली सेकरो मिला ले लिया अब तो ओहो में दिक्कत ना है, अब दिक्कत की है तो अहाँ कम से कम सारा नेपाल के समग्र रूप से एक आँख से देखू और समग्र नेपाल के अपन अपन आवश्यकता है ते हिसाब बजट द के ओकर विकास के पूर्वाधार में सहयोग करू ओहि ठाम के जनता से सहयोग लियू जे ज्यादा से ज्यादा कर द सके आत्मनिर्भर बन सके काहे हमर बाल बच्चा से विदेशी रोजगार नहीं जावे पड़े एक ठाम पढ़ लिख के बढ़िया से सारा चीज के आर्थिक रूप से संपन्न रूप से ये देश आगा बढ़े तै तब हम सब जाए। एक बात ललित जी जेना काल खन जे अर्थमंत्री बजट प्रस्तुत करत रहे तो वो गवर्नर रह चुकल छे पॉलिटिक्स में बाद में अलग कर्मचारी से रिटायर वाला के बाद में एक ता आत्मविश्वास देखा गया बाहर के शैली आत्मविश्वास गजब के रहे बजट सफल रहते खा अब गरीबी धनी के बीच में आके संपूर्ण दूरी मिट जाते। देखियो संपूर्ण दूरी कभी मिटता है बहुत चीज डिपेंड करे की करेगी बजट प्रस्तुत कल के बहुत सेक्टर में है बजट सवाल है जे बजट सबके इम्प्लीमेंटेशन होते कि नहीं होते शंका होता हो जाएगी अपना सब की है कि बहुत बजट अपना सबके क्षेत्र में या नेपाल के हर एक विभिन्न क्षेत्र में देले होते तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ओकर पूर्व तैयारी की है ओकर तैयारी है कि नहीं। हमर सबके मान लो सिविल एविएशन के बिल्डिंग जनकपुर एयरपोर्ट के कते साल से बन रहा है कते बजट अलग गए ठीक है हमर सबके सिविल एविएशन के बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं कैला। देखियो सरकार के बजट प्रस्तुत करे के और काम करे के तरीका में फर्क है। हमर सबके इस सेक्टर के हमर सबके क्षेत्र के मान लो 2 प्रदेश के बात करिए अभी तो हम सब पर्यटक से जुड़ल छी पर्यटक के ज्यादा से ज्यादा हम क्षेत्र में आकर्षित केना करबे आकर्षित करे लागे हमरा सबके पूर्वाधार की करे पड़ते पूर्वाधार के लेल अई बजट में हमरा नहीं लगे कि जानकी मंदिर खाली जानकी मंदिर तो हमर सबके है ही जे नेपाल के एकदम शान है जे हर एक वर्ल्ड के आदमी सब जानकी मंदिर के दर्शन करे लागे अभी लेकिन अभी ही तो स्टे केना करबे ओहि के लिए नेपाल सरकार के मान लो होटल व्यवसाय के प्रोत्साहन केना करबे बड़ा बड़ा होटल इस सेक्टर में केना आती ओहि के लिए तो नेपाल सरकार ने बजट में कोनो प्रस्तुत नहीं के लिए कहीं नहीं देखा पड़ल है। कृषि के मान लो बहुत ऐसा उपकरण सब है बहुत ऐसा युवा सब जो है ओकरा सब कृषि में हम सब युवा के जोड़ सके छी ओ युवा जे धनुषा जिला से सब ज्यादा पलायन भ रहल है ओकरा रोकने के प्रयास कहीं नहीं कल गए तो की है कि हम सब करे छी आ कागज में मात्र लिख ली लेकिन ओकर देखा नहीं पड़ल जनमानस में से चीज हमेशा पूर्वाग्रहित कहू चाहे जे भी कहू हमर सबके उद्योगी व्यवसायी के पूर्वाग्रहित के नजर से अई जिला के हमेशा कि हरेक विभाग हरेक निकाय देखले है से हमरा सबके समझ में हमेशा आयल हवे कि
हम सब चाहे छी अब जे बजट प्रस्तुत भ गेलै ओकर हरेक सेक्टर में हरेक जगह पर बढ़िया से बढ़िया जगह तैयारी के साथ इम्प्लीमेंटेशन केना होते ओहि पर अब केना जते ओहि तरफ में लागे के चाहि हमरा जना बुझे में लगिया। ईश्वर जी अइ बजट में स्वास्थ्य कर खारिज भ गेलै, शिक्षा कर खारिज भ गेलै, तकर बाद कहने छै बजट जे नेपाल के हरेक नागरिक के बैंक में अपन खाता है। आम जनता गरीब छै, आम जनता गरीब छै जेकरा पास में पैसा नै छै खाता में जमा करला, तराई के डोम दुसार चमार दुसार लगायत के समुदाय सब ओ खाता खोल के पते की देखावा की चाहि रहल छै सरकार बजट में। की छै कि आजकल बैंक में जे जते भी प्राइवेट बैंक छै जे में 0% में खाता खुलै छै, रहि गेलै कि ई सिस्टम ये सब लेकिन के बैंक में खाता सारा नागरिक के बैंक में खाता हो चाहिए। तो इंडिया में आधार कार्ड के सिस्टम लेके आधार कार्ड से सबके बैंक में खाता हो चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के बात सब लेके इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ पैसा सब जो है खाता के मार्फत पेमेंट हो तो अपन नागरिक जैसे 5 साल में परिचय पत्र देव के बात कलिए कल के दिन में ठीक छै जो हमर खाता खोलले के मतलब ई त अहाँ लगे एते एविडेंस छै जैसे खाता खोलै छै। नै खाता खोलै के एकटा माथी की छै यदि अहाँ बैंक में खाता खोलल जबे सबसे पहले त जे नागरिकता छै से त मंगबे कर, तकर बाद विद्युत के बिल मांगत, खाने पानी के बिल मांगत। हमरा एकटा बात के दिया जे दलित में मुसहर में चमार में मुसलमान में जे विपन्न समुदाय छै ओकरा पास में तो अपन घर रह के चाहिए ने तो विद्युत कत से तिरते या खाने पानी कत से तिरते कत से जाके प्रमाण पेश करते। वहे तो हम वहे बात हम सब कह रहे छी कि प्रक्रिया की प्रक्रिया तो आवे पहले न जे न आ के छी में कि देश भारत में आधार कार्ड पर ओकरा बाद कुछ नहीं खोले जे न अपना सब एठम कह रहे छी परिचय पत्र तो परिचय पत्र दिखाओ जीरो बैलेंस में खाता खोल एकटा सरलीकरण तो नेपाल सरकार ने करे पड़े न कि ल तपाईले परिचय पत्र देखाउँस र तपाईको खाता खोलिगो। अब ओकरा बाद जे 70 वर्ष ऊपर के जे हेल्थ इन्स्योरेन्स करके बात त ठीक छै खाता के मार्फत पेमेंट कर चाहै छी खाता के मार्फत कर, लेकिन प्रक्रिया तो ओकरा बना देबो पड़लै न कि अहाँ के बेसी डॉक्यूमेंट के जरूरी न। आइ काल्हि तऽ की कहै छै साल साल भर में खाता में अहाँ के अथी KYC फॉर्म भरऽ पड़ै छै की मतलब अहाँ के कोनो ब्लैक लिस्ट जी की सब, लेकिन ई प्रक्रिया सामान्य रूप से अहाँ सारा नागरिक के खाता खोलना चाहे छी तो परिचय पत्र के आधार पर खोल दियो जेकर ट्रांजेक्शन बेसी है जेकरा वैदेशिक व्यापारिक ट्रांजेक्शन ओकरा अहाँ विभिन्न किस्म के अपन इंक्वायरी सब अपन लियो, लेकिन सरलीकरण जैसे ठीक छै अहाँ के मनसाय अगर शुद्ध छै कि हम अपना नेपाली नागरिक के लाभ देव चाहे छी यही खाता मार्फत यही बैंक मार्फत काल के दिन में पैसा हिना मिना नहीं हुए तो ठीक छै प्रक्रिया ठीक लेकर सरलीकरण कर दे एकटा डॉक्यूमेंट बनो जैसे प्रमाणित हो कि नेपाली नागरिक ओकरा आधार कार्ड चाहे नागरिकता के आधार पर अहाँ के खाता खोल के 0% बैलेंस में खुल जाए खाता खोल ओकरा बाद अहाँ की देव चाहे हेल्थ इंश्योरेंस के बात के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दियो जेना 2500 में बहुत जिला में दे 5000 के हेल्थ इंश्योरेंस धीरे धीरे बढ़ते तो काल के दिन तक खाते के मार्फत में पेमेंट होते कैसे इस ठीक से बढ़िया आहार ले ली, लेकिन एक प्रक्रिया की प्रक्रिया बनाओ में हाँ अगला साल निकाल देते तो ये बजट के संबोधन तो नहीं मिले तो प्रक्रिया भी साथे लाओ ना प्रक्रिया भी साथे लाओ कि यही कारण है इसे खोल लो। एक तो बात जना हम सब करीब करीब कार्यक्रम के अंतिम में छी हीरा जी जत संघीय सरकार छै जत संघीयता के स्वीकार नै छै विभिन्न जगह में ओहि ठाम की कहने छै यहाँ के योजना आयोग के विघटन कर देने छै वित्तीय आयोग बना देने छै वित्तीय आयोग में हरेक प्रदेश के प्रतिनिधित्व होइ छै और जनसंख्या के आधार पर बजट विनियोजन होइ छै। आइ जखन बजट अलैया तऽ जै जै जेना जै रूप से प्रदेश सब के अलैया मधेश केन्द्रित दल सब विरोध कयने छै तकर बाद जे विभिन्न व्यक्ति सब से जे मधेश के राजनीति जानय वाला विश्लेषण करय वाला ओ सब विरोध कयने छथिन जे ई अहाँ के प्रक्रियागत नै भेलै अखनो योजना आयोग काम कायम छै अर्थात ओहन वित्तीय एकटा प्रदेश के और संघ के बीच में कोऑर्डिनेशन करय वाला निकाय के अभाव छै केवल 19 करोड़ रुपया आबै छै तब ओहि में किछु प्रदेश सरकार थपि कऽ 20 करोड़ के बजट पेश कऽ देतै एहिठाम 30 करोड़ के बजट कऽ और ओहिसँ बेसी के अवस्था देखाइ नहि दऽ रहल छै। देखियौ देश संहिता में जा चुकल छै अहाँ संहिता के प्रति कते ईमानदार छै केंद्र सरकार सबसे पहले ई प्रश्न बात करते हैं
आ देखियो विगत में मधेश केंद्रित जे दल सब कहत रहल कि संहिता नाम के लागे संहिता में छे संविधान में संहिता नहीं छे आज यथार्थ में देखा पड़ रहा छे आ के जे रूलिंग पार्टी छे रूलिंग पार्टी के लीडर से लेकर के मधेशी दल तक के रही संहिता पर खतरा है संहिता सफल होते कि नहीं होते ये देश में जे के एकदम देखा पड़ रहा छे आ के पावर पावर जे डिसेंट्रलाइज छे या तो केंद्र में छे या तो स्थानीय सरकार में छे प्रदेश सरकार के बीच कोनो पावर नहीं देले छे आ बजट देली है बजट के अंतर्गत कौन कौन ऑफिस की ऑफिस आता है सब पर कोनो क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया 19 अरब बजट आ देली प्रदेश सरकार के 16 अरब 19 करोड़ बजट आ देली है प्रदेश सरकार के मतलब कौन मापदंड में देली है का अंतर्गत कौन कौन ऑफिस देली है कौन कौन मंत्रालय देली है कौन कौन एन देली है सब कुछ प्रश्न नहीं है अपने ये बात देखल जाए तो एगो एसपी तक के सरवा बढ़वा करे के अधिकार मुख्यमंत्री के नहीं है वो मुख्यमंत्री वो बजट के कौन हिसाब से मोबिलाइज करते वो मोबिलाइजो करे के अधिकार केंद्र अपने हाथ में रख लिए जब तक केंद्र वो पावर डिसेंट्रलाइज नहीं करते प्रदेश के जब तक अधिकार संपन्न नहीं बनते तब तक संहिता परिणामुखी नहीं हो सके ये बात एकदम यथार्थ सत्य है आ जाले अपने देखियो ना अगर राज्य के उतने ईमानदार रहती है आके मित्र राष्ट्र भारत से हम सब बहुत कुछ सीखे चाहे ओके धरा पर चले जब उतना बजट अभी तो सब मुख्यमंत्री के बुला करके वित्त मंत्री उतना से राय सलाह सुझाव संकलन करे वहाँ के 29 की 3200 स्टेट से वो 3200 मुख्यमंत्री के चाहे रूलिंग पार्टी के हो चाहे नहीं हो ओकर सबके सलाह रहिए सुझाव रहिए सब कुछ तब जाकर के वो बजट लाबी केंद्रीय बजट लाबी मतलब एतना पर हमारा तो जब साथे वहाँ के प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री से कैसे सलाह के सहो नहीं ले ले होते हमारे वित्त मंत्री जी सलाह के सहो नहीं ले ले होते बाकी बात तो छोड़ दिए अब कोई हिसाब से बजट लगी है अब तो बजट कौन हिसाब से न हम सब एक निजी क्षेत्र के लागे लगानी मैत्री वातावरण देख रहा है न कृषि मैत्री देख रहा है न पर्यटकीय पर्यटकीय मैत्री देख रहा है कोनो मैत्री नहीं देख रहा है एक बजट हम सब एक रूप में देख रहा है वह सस्तो लोकप्रियता वाला बजट जिसको कोई आधार छे ना इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिए इम्प्लीमेंटेशन के ना होते प्रदेश में के ना देवे कौन हिसाब से प्रदेश में वो काज होते कि बजट फ्रीज हो जाते कि घुमा करके अहाँ के केंद्र ले लेते जना अभी बात उठ लीजिए खाता खोले के ठीक है स्वागत योग कदम छे नंबर कहके कि खाता खुले के चाहिए सहजीकरण होने के चाहिए खाता खुले आ खाता कहिया खुलल जाए खाता तो अहाँ खोज रहा छे ठीक है दोनों दूसर दूसर बिजनेस अहाँ देखियो खाए के लागे आफत छे ये जिला में इंटीरियर रोड में जइयो दो मुसार सबके वो खाता के ना खोलते ठीक है अगल बगल से सहयोग लेकर के खातों खुल जाते खाता खुलने के बाद में बेनिफिट की खाद खाता के आ की फायदा जना इंडिया में गैस सब्सिडी खाता के मार्फत सब मिल रहा है बीपीएल परिवार के आ के धनराशि मिलेगी अनाज मिलेगी सब कुछ खाता के माध्यम से मिलेगी आ खाता खुलाबे छिए तो खाता के माध्यम से आ की सुविधा देबे ए संदर्भ में बजट कौन नहीं कुछ नहीं कह रहा सीधे खाता खोलो केला ही खोलो भाई खाता खाता लेकर को चाटता है जो का रह लागे घर में छे एक तक खाता खोले लागे 1000 आ नियम कानून बना देले छे विद्युत के कागज दिया खाने पानी के कागज दिया त नागरिकता दिया त चिल्ला दिया त टिकना दिया ठीक छे 1000 नियम छे एगो पढ़ल लिखल आदमी के एगो व्यवसायी के जब खाता खोले में समस्या आवे तो डोम के खाता खोले में कते समस्या आते से बात के राज्य के और तरफ कोनो ध्यान नहीं गेल छे एक्शन करल छे आ खाता खोला सोते मेहनत के को खाता खोलो तो ओकर परिणाम की रिजल्ट की आई संदर्भ में सरकार किछ नहीं बाज रहल छे बजट किछ नहीं बाज रहल छे आइ लागे ई बजट के हम से हम सब कोनो तात अचेतहीन बजट देख रहल छे चलो तीन गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकवृन्द आइ हम सब प्रस्तुत बजट पर संघीय सरकार के जे बजट आयल छे बजट पर हम सब गंथन मंथन कयलहुँ हमरा सबके आय आजुक अतिथि छले था जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह अ तरह निर्मल कुमार चौधरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के पूर्व केंद्रीय सदस्य और शिवशंकर शाह हीरा उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग वाणिज्य महासंघ के प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष इनका सब गोटे के ई कहब छे जे बजट के कार्यान्वयन दिस ल जाय पड़तै पर्यटकीय कृषि दी के विकास करे पड़तै तखने मात्र अखन जे प्रधानमंत्री के नारा छे समृद्ध नेपाल उ संभव हेतै आजुक कार्यक्रम से हम वीरेन्द्र रमन विदा चाहब अपने सब देखैत रही टाइम्स टेलीविजन धन्यवाद नमस्कार Oh,